महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान में एक के बाद एक दावपेच देखने को मिल रहे हैं। उद्धव जो कि अभी तक साइलेंट मोड में नजर आ रहे थे, वे भी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। नतीजतन पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा। मौजूदा हालात की बात करें तो एकनाथ शिंदे को करारा झटका लगा है और उनके द्वारा डिप्टी स्पीकर को भेजा गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया जा चुका है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना संजय राउत के बयान के बाद से ही हिंसक हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे शिवसेना का आंतरिक मामला बताया है और कहा है कि उन्हें उद्धव ठाकरे पर यकीन है कि वे इस मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, जबकि एनसीपी चीफ शरद पवार सत्ता को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। इन सबसे इतर भारतीय जनता पार्टी, बोले तो बीजेपी, ऊपरी तौर से साइलेंट मोड पर नजर आ रही है और पीछे से सारे खेल को ऑपरेट कर रही है और कोशिशें ये भी है कि इस बार ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि शिवसेना पर भी उसका कब्जा हो जाए। खैर, यहाँ जो हो रहा है वो तो देश भर में चर्चा का विषय है ही, लेकिन जिस मुद्दे पर सबको गौर करने की ज़रूरत है आज हम उस पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पुलकित शर्मा और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। महाराष्ट्र में सियासी संकट चरम पर है। एकनाथ शिंदे अपने साथ करीब 4 दर्जन विधायकों को उठा लाए हैं और अपने श्री चरणों को लेकर असम में जाकर टिक चुके हैं। वहाँ पर बैठकर महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की बातें हो रही। कमाल की बात यह है कि 2.5 साल पहले सभी खुश थे, कम से कम इतने नाराज तो नहीं थे कि असम में जाकर तमाशा किया जाए। कमाल की बात यह भी है कि ये 4 दर्जन विधायक बाढ़ से जूझ रहे असम की बात तक नहीं कर रहे, ना ही इस पर बात करने को वहाँ के CM इच्छुक हैं, बल्कि वे भी वहाँ पर सबको घूमने का न्योता बांट रहे हैं। मीडिया में तो सुबह से शाम तक महाराष्ट्र सियासी संकट लाइव चल ही रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं कि वे एक आधा घंटा तो असम को भी दे दो, या फिर जाकर उन विधायकों से ही पूछ ले कि भाई साहब, यहाँ पर कुर्सियाँ तोड़ने से बेहतर होता कि आप जनता की थोड़ी सी मदद ही कर देते। आखिरकार आप यहाँ पर सेफ फील कर रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र से भागते हुए आप यहाँ पर आए। थोड़ी सी सुरक्षा अगर जनता को भी मुहैया करा दी जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों की संख्या अब सैकड़ा पार कर चुकी है, जबकि इस बाढ़ में करीब 30 जिलों के 35 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। राज्य भर में कुल 35 जिले हैं, यानी कि पूरा का पूरा असम ही बाढ़ की चपेट में है और सियासत जिसे शर्म से डूब जाना चाहिए था वो अब भी किनारे पर है। इस बाढ़ के चलते 173 सड़कों और 20 पुलों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा बक्सा और दरंग जिलों में भी 2 तटबंध टूट गए हैं और 3 क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाढ़ की इस दूसरी लहर में 1,869.7 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और हजारों की संख्या में जानवर प्रभावित हुए हैं। PM और CM यहाँ के हालातों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर भी। राहत कार्य भी लगातार जारी है, लेकिन ऐसे समय में जब असम को मदद की ज़रूरत है तो फिर इन बागियों के जमावड़े को बिठाने की ज़रूरत क्या थी? ये बात सोचने योग्य है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सरकार और प्रशासन के लिए भी। राजनीति में नेताओं के लिए काम करना या यूं कहें कि जनहित के काम करना कितना मुश्किल होता है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पद की लालसा सभी को होती है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो सभी को चट्टी का दूध याद आ जाता है। महाराष्ट्र को ही लें, मुंबई, पुणे, नासिक से आगे बढ़ते हुए जब हम सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को देखते हैं तो मालूम चलता है कि पता नहीं कब से आमजन को विदर्भ जैसे शहरों में नहर बनाने की बात करके चूना लगाया जा रहा है। यदि शिंदे को इतनी ही परेशानी थी तो कम से कम 5 साल की सरकार तो पूरी होने देते। टाइम पास करके आमजन के साथ छलावा करना सही ना था। इस बात पर कोई दो राय नहीं कि बीते कुछ दिनों से BJP ने ये ट्रेंड बना रखा है कि अगर उसे जीत नहीं मिली तो भी वो जीत दर्ज करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे इधर उधर के हथकंडे ही क्यों ना अपनाने पड़े। बिहार में तो JDU से पार्टी के रिश्ते बहुत ही बुरी स्थिति में खत्म हुए, लेकिन जब सत्ता नहीं मिली तो सरकार बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर जैसे राज्यों में भी वोटर भी BJP को वोट ना देने का परिणाम भुगत चुके हैं। जनता ने पार्टी को नहीं चुना तो पार्टी ने जीती हुई पार्टी के विधायकों को चुन लिया। संदेश साफ है, जनसेवा भाड़ में जाए, सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं। और इसीलिए 5 साल में जो थोड़े बहुत काम भी पार्टियां कर लिया करती थी वो भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब वे दिन रात सरकार बचाने की जुगत में लगे रहते हैं और विधायक आए दिन बाड़ेबंदी का शिकार हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पहली नज़र में मन में बहुत रोमांच जग जाता है, लेकिन जब इस पर हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत व्यवस्था है, उस पर करारी चोट पहुंचाता है। खैर, राजनीति एक तमाशा है और तमाशे के लिए एक ही चीज़ कही जा सकती है, द शो मस्ट गो ऑन।